बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर 1 मैथ में हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, जिसके 3 सवाल हमने पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। ब्रैकेट है 1001 प्लस 0230, ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो गया, प्लस 111 और 0। अब मैथ का असूल है बायोडमास रूल में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो ब्रैकेट होती है वो हल की जाती है। तो हम सबसे पहले ये ब्रैकेट है, इसको हल करेंगे। तो ये ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0, ठीक है, और साथ प्लस हो रहा है 111 और 0। 1 प्लस 0 1 ही होता है, 0 प्लस 2 2 ही होता है, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1 प्लस 111 और 0। ब्रैकेट हमारी प्लस वाली हल होने के बाद अब ये दोबारा वैल्यू इसके साथ फिर प्लस हो रही है, तो इसको दोबारा प्लस कर लें। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 0 1। तो इसका आंसर ये है 2, 3, 4 और 1, यही इसका आंसर है। इसके आगे हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का पार्ट 3 है। 1 2 3 1, 2 3 1, आगे है जी प्लस, ब्रैकेट है, फिर मैट्रिक्स है 1 0 2 और साथ माइनस का साइन है और है आगे 2 2 और 2 2 2 2, मैट्रिक्स और ब्रैकेट्स बंद। अब ये जो रकम दूसरी है ये ब्रैकेट्स है, तो पहले हम इस ब्रैकेट्स को हल करेंगे, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो 2 3 1 ये सेम ऐसे ही चलेगा साथ, प्लस हमारे पास ब्रैकेट है जी 1 माइनस 2, 0 माइनस 2, 2 माइनस 2, अब ये सेम 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस का है 1 प्लस का है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो बाकी जो बचेगा वो माइनस में से बचेगा, 0 और माइनस 2 तो ये माइनस 2 ही रहेगा, 2 प्लस का है 2 ही माइनस का, तो क्या बन जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू अब आपस में क्या हो रही हैं प्लस, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस माइनस माइनस और 1 प्लस 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 एंड 1, तो आंसर है हमारा 1 1 एंड 1। इसी के आगे देख ले, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वो देख ले। 1 2 3 2 3 1, 3 1 2 और साथ प्लस है 1 0 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 0, 0 2 एंड माइनस 1। अगर हम लोग देखें तो दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं, तो इनको प्लस कर देते हैं हम लोग। 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस, माइनस ये ख्याल रखना है प्लस माइनस करते हुए आप लोगों ने, 2 प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस माइनस माइनस, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, 1 प्लस 2, 2 प्लस माइनस माइनस और 1 प्लस 1 कितना होता है 2,
टू प्लस ज़ीरो टू, थ्री माइनस टू वन, टू माइनस टू ज़ीरो, थ्री माइनस वन टू, वन प्लस ज़ीरो वन, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री, वन प्लस टू थ्री और टू माइनस वन वन। तो ये हमारा एडिशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। इसके आगे देख लें जी, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, वो भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही है, उसमें भी हमने मैट्रिक्स को ऐड ही करना है। क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर फाइव होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में कुछ वैल्यू दी हुई है हमें, ए बी और सी। तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, ए हमारे पास है जी वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो। बी की वैल्यू दी हुई है, वो है जी वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। और आगे सी की वैल्यू दी हुई है, वो है जी हमारे पास माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, माइनस ज़ीरो माइनस टू थ्री, और आगे वन वन टू। अब इसका पार्ट वन करेंगे। अब ये याद रखें, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे ए की वैल्यू आप लोग लिखेंगे, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे बी की वैल्यू, और जहाँ पे सी होगा वहाँ पे सी की वैल्यू है। यहाँ पे भी हमारी एडिशन प्लस होगा या माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्स में। तो ये याद रखना है, तरीका वही है जो हम शुरू से कर रहे हैं, प्लस करने का माइनस करने का। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जो वैल्यू वो कहता है, जो ए कहता है पहले तो ए पहले, तो बी कहता है पहले तो बी पहले। जैसे पहला सवाल है, ए प्लस सी बराबर है सी प्लस ए, ए प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए के। अब लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस सी, तो ए की रकम पहले लेंगे और सी की रकम बाद में। जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो सी की रकम पहले और ए की बाद में। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्ज़ी कर सके, जिस तरतीब से उसने हमें कहा है उसी तरतीब से वैल्यू लिखनी है। अब ए की वैल्यू हमारे पास है जी वन टू थ्री, लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले लें यहाँ पे, और है टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, सी है हमारे पास माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू थ्री, वन वन टू। और वैल्यू हो क्या रही है आपस में, प्लस, यानी ए प्लस सी। तो वन प्लस माइनस माइनस, टू प्लस ज़ीरो, थ्री प्लस ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो, थ्री प्लस माइनस माइनस, वन प्लस थ्री, वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, ज़ीरो प्लस टू। वन प्लस का है और वन माइनस का ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो टू, थ्री टू वन फोर, टू माइनस वन प्लस, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या बच जाएगा ज़ीरो और टू। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इस तरह हम अपनी राइट हैंड साइड भी कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है सी प्लस ए, तो पहले किसकी वैल्यू आप लिखेंगे, सी की। तो सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू थ्री, वन वन टू, प्लस अब ए की वैल्यू लिखनी है आपने वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो। तो अब ये भी ऐड हो रहे हैं, माइनस वन प्लस वन, ज़ीरो प्लस टू, ज़ीरो प्लस थ्री, ज़ीरो प्लस टू, माइनस टू प्लस थ्री, थ्री प्लस वन। आगे है जी वन प्लस वन, वन प्लस माइनस माइनस, और टू प्लस ज़ीरो। वन प्लस का और वन माइनस का ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू टू, थ्री टू माइनस टू प्लस थ्री, प्लस की वैल्यू बड़ी है माइनस की छोटी है, तो वन फोर
टू ज़ीरो एंड टू। तो अगर आप देखें ज़ीरो टू थ्री टू वन फोर टू ज़ीरो टू, तो हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही वो कह रहा है ए प्लस सी बराबर है सी प्लस ए के। आगे देखें जी इसी का, इसी क्वेश्चन नंबर फाइव का आगे हम लोग देखते हैं। जो सेम पार्ट है वो नहीं करेंगे। आगे है जी हमारे पास फोर वाला पार्ट है ए ए प्लस बी प्लस ए, और ये इक्वल है टू ए प्लस बी के। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग देखें तो ए है प्लस ब्रैकेट में क्या है बी प्लस ए। तो अब इसको हम इसी तरतीब से लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस ए। तो पहले सबसे किसकी वैल्यू आएंगी ए की, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, प्लस ब्रैकेट आ गया ब्रैकेट के बाद फिर आ जी बी की वैल्यू वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री, प्लस ए की वैल्यू वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, और ब्रैकेट्स बंद। अब मैथ का असूल है कि उसमें ब्रैकेट जो है वो सबसे पहले हल होती है, तो पहले हम ब्रैकेट्स हल करेंगे और ये वैल्यू सेम ऐसे ही चलती रहेगी साथ, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, वन प्लस वन, माइनस वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, टू प्लस टू, माइनस टू प्लस थ्री, टू प्लस वन, थ्री प्लस वन, वन प्लस माइनस, माइनस और थ्री प्लस ज़ीरो, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन ये सेम इस तरह चलेगा साथ, और ये अब ये सॉल्व हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू, टू प्लस का है वन माइनस का है वन, फोर टू प्लस टू फोर, वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, ज़ीरो थ्री। अब ये दोनों वैल्यू फिर आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो इनको फिर प्लस कर दे, वन प्लस टू, टू प्लस वन, थ्री प्लस फोर। अब जो वैल्यू जहाँ से लेंगे दूसरी की वैल्यू भी वही उसके साथ प्लस होगी। आ गया जी टू प्लस फोर, थ्री प्लस वन, वन प्लस थ्री, वन प्लस फोर, माइनस वन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस थ्री। तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा जी थ्री, थ्री सेवन, सिक्स फोर, फोर, फोर प्लस वन फाइव, माइनस का वन और थ्री। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। आगे हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी वो देख लें, राइट हैंड साइड हमारे पास टू ए प्लस बी। अब ए के साथ टू क्या कर रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए हमारे पास है वन टू थ्री, और साथ है टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो, और प्लस हमारे पास क्या है बी है जी वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। अब टू इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा टू ए, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू टू ज़ार फोर, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू वन ज़ार टू, टू वन ज़ार टू, प्लस माइनस माइनस और टू ज़ीरो आर ज़ीरो, वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। अब ये फिर आपस में क्या हो रहे हैं जी, प्लस हो रहे हैं, टू प्लस वन फोर, प्लस माइनस माइनस, सिक्स प्लस वन फोर, प्लस टू सिक्स, प्लस माइनस माइनस, टू प्लस टू, टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस वन, ज़ीरो प्लस थ्री। टू प्लस वन कितना होता है जी थ्री, फोर प्लस वन थ्री,
सेवन, फोर और टू सिक्स, फोर में से टू बाकी फोर, फोर थ्री प्लस टू फाइव, माइनस टू प्लस वन, माइनस वन एंड थ्री। तो यहाँ पे देख ले राइट हैंड साइड थ्री थ्री सेवन सिक्स फोर फोर फाइव माइनस वन और थ्री, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फोर। इसमें ये मैंने आपको पहले बता दिया था, चीज़ वही है जो हम लोग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाइकेशन है, ठीक है, तो है वही कुछ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसलिए आपने इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से आ गई है, करना आपने प्लस या माइनस है, लेकिन तरतीब वही रखनी है जो उसने दी हुई है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी आप लोगों ने। सिक्स वाला क्वेश्चन है जी, ए दिया हुआ है हमें वन माइनस टू थ्री फोर, बी भी दिया हुआ है हमें, वो है जी ज़ीरो सेवन माइनस थ्री एट। इसके आगे फर्दर दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है थ्री ए माइनस टू बी और दूसरा पार्ट है इसका टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज। तो अब देख लेते हैं पार्ट वन, देखते हैं हम लोग, पहला हिस्सा है जी थ्री ए माइनस टू बी। अब थ्री के साथ किसकी वैल्यू लिखनी है आप लोगों ने, ए की, तो थ्री के साथ मैंने ए की वैल्यू लिख दी वन माइनस टू थ्री फोर, और माइनस टू के साथ किसकी वैल्यू लिखनी है आप लोगों ने, बी की, तो ये हो जाएगा ज़ीरो सेवन माइनस थ्री एट। अब थ्री वन ज़ार थ्री प्लस माइनस, माइनस थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री थ्री ज़ार नाइन, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, माइनस टू ज़ीरो आर ज़ीरो, टू सेवन ज़ार फोर्टीन, प्लस माइनस माइनस टू एट ज़ार सिक्सटीन। अब ये दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, तो थ्री माइनस ज़ीरो माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन, नाइन माइनस माइनस, ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस सिक्स, ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन, थ्री माइनस ज़ीरो थ्री ही रहेगा। अब माइनस का ही सिक्स है, दोनों सेम ही है, तो सेम आंसर साइन माइनस का ही रहेगा, और दोनों इकट्ठी हो जाएगी, सेम वैल्यू इकट्ठी हो जाती है, माइनस नाइन प्लस फिफ्टीन, ट्वेल्व प्लस का और सिक्सटीन माइनस का है, तो माइनस फोर। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं कि माइनस सिक्स और माइनस फोर्टीन जो है वो माइनस ट्वेंटी होता है। लेकिन जी ये इस पार्ट का ये आंसर था। अगर हम इसी दूसरे पार्ट पे बात करें तो वो है हमारे पास टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज। अगर आप लोग देखें रकम में तो हमें क्या दिया हुआ है ए और क्या दिया हुआ है बी, हमें सिर्फ दिया हुआ है ए और बी। यहाँ टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के ट्रांसपोज के साथ, और थ्री किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के ट्रांसपोज से। तो हमारे पास आसान वे है कि हम पहले ट्रांसपोज बना लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या है, अगर ए का ट्रांसपोज बनाएं तो हम क्या लिखते हैं, कॉलम आर चेंज इन टू रो, आर रो आर चेंज इन टू कॉलम, यानी कॉलम को कतार या कतार को कॉलम में लिख लें तो ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज बना लेते हैं वन थ्री माइनस टू फोर, और बी का भी ट्रांसपोज बना लेते हैं, वो हो जाएगा ज़ीरो माइनस थ्री सेवन एंड एट। तो आगे हमारा क्वेश्चन है टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज। अब आपके पास ए का ट्रांसपोज भी है, बी का ट्रांसपोज भी है, तो ए का ट्रांसपोज के साथ क्या लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज है वन थ्री माइनस टू फोर, और साथ है थ्री, और बी का ट्रांसपोज ज़ीरो माइनस थ्री सेवन एंड एट। अब ये टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, प्लस माइनस माइनस फोर टू ज़ार एट,
ज़ीरो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो ज़ीरो होता है, प्लस माइनस माइनस, थ्री सेवन ज़ार 21, 24, टू माइनस ज़ीरो 6, माइनस माइनस क्या हो जाता है जी, प्लस, माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24, 2, 9 और 6 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25 और 8 माइनस 24 माइनस, तो देख ले यहाँ पे 2 15 माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24 माइनस 16। आज के हमने आर्टिकल में 1.3 क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक किए हैं, और इंशाल्लाह इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और 8, इंशाल्लाह ये दोनों पार्ट हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे।